अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है 19 रोज़ा और 19 रोज़ा की इफ्तार में मैं बनाने वाली हूँ कचौरी चाट, चाइनीज समोसा, क्रिस्पी चिकन बैंग बैंग, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले कचौरी बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक बड़े से बाउल में 1.5 कप सूजी, 2 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टीस्पून नमक और 1/3 कप ऑयल। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हमें यूज़ करना है 1/3 कप पानी, जिसे हमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्स करना है और इसे हमें एक डो बनाना है। डो बनाने के बाद हमें इसे रेस्ट देना है कम से कम 30 मिनट के लिए। तीस मिनट बाद हमें डो लेना है, उसके पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे। कर लिए हैं। अभी हमें इसे बेलन की मदद से फ्लैट करना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा मोटा ही रखना है, तभी हमारी कचौरियाँ जो है वो फूल पाएंगी। ये देखिए, आप ये इतनी मोटी होनी चाहिए और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप रखना चाहें। और अभी इसी तरह से हमने सारी तैयार कर ली है, साइज मैंने मीडियम साइज ही रखी है। अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से गरम करने रखा था। ऑयल गरम हो गया है, अब हमें एक कचौरी डालनी है और उसे ऐसे पुश करते हुए ऊपर लाना है। जब ये ऊपर आ जाएंगी तो अच्छे से फूल जाएंगी और आपने एक एक करके इसको फ्राई करनी है, उसी में सारी नहीं डाल देनी है। ये देखिए कैसे हमारी कचौरी जो है फूल गई है। बस इसी तरह से आपने सारी फ्राई करनी है और हल्का गोल्डन ब्राउन करना और इसे निकाल लेना है। अभी हमें इसके लिए वड़े तैयार करने हैं। वड़ा बनाने के लिए मैंने ये मूंग दाल ली थी, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले सोक्ड करके रखा था, और इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में। फिर इसमें मैं डाल ली हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 2 पिंच डाला है बेकिंग सोडा। अभी हमें हैंड विस्क की मदद से इसे विस्क करना है 3 से 4 मिनट के लिए। विस्क करने के बाद हमें इसे डीप फ्राई करना है। ये मैंने बहुत अच्छे से विस्क कर लिया है। अब मैंने ऑयल को गर्म होने रखा है, बहुत अच्छे से ये गर्म हो जाना चाहिए। आपने थोड़ा सा बैटर डालकर इसे चेक कर लेना है, जैसे बैटर ऊपर आ जाए तो समझे ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको बैटर डाल देने हैं। इस तरीके से अगर आप अपने वड़े को बनाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा और परफेक्ट बनेगा। ज़्यादा कुछ आपको इसमें करना भी नहीं होगा और आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर ही बनाएंगे। तो ये देखिए, इसे हल्का सा ब्राउन करना है हमें और इसे निकाल लेना है। ये मैंने सादा पानी लिया हुआ है, उसमें हमें डिप कर देना है इन सभी वड़े को, ताकि ये पानी को सोक्ड कर ले। फिर मैंने ये 2 कप दही लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून शक्कर और 1/2 टीस्पून नमक। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और विस्क की मदद से इसे विस्क करना है, ताकि जो लम्स है इसमें ना रहे। मीठी दही मैंने तैयार कर ली है, इसे हम साइड कर लेते हैं। फिर चलिए कचौरियाँ बनाते हैं। कचौरी के अंदर मैंने डाल दिया है वड़े, फिर डाल लें ऊपर से मीठी दही। मीठी दही डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इमली की मीठी चटनी।
बहुत ही सिंपल बनती है ये मीठी चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर ऊपर से डाल दिए हरी चटनी और बूंदी डाली है ऊपर से और अनार के दाने। नेक्स्ट हम बनाएंगे चाइनीज़ समोसा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। एक कढ़ाई में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें डाल दिया है 1/3 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्चें, इन्हें थोड़ा सा भून लेना है हमें ऑयल में। फिर हमें डाल देना है बारीक कटी हुई गाजर जो कि है 1/3 कप, 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। इन सभी चीज़ों को हमें सॉटे करना है थोड़ी देर के लिए। फिर डाल देना है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, फिर डालना है 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद मैंने लिया है ये 2 चिकन के क्यूब्स, जिसको मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, वो बिल्कुल अच्छे से डिजॉल्व हो गया है, वो डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप 1 पाउच मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। फिर डाला है 2 टीस्पून रेड चिली सॉस। फिर हमें डाल देना है इसमें 2 टीस्पून व्हाइट विनेगर। फिर डाला है 1 टीस्पून सोया सॉस। 1 टीस्पून डाला है केचप। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। फिर अच्छे से हमें इन्हें भून लेना है हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए। फिर डाला है 1.5 कप बॉईल किए हुए नूडल्स। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमारी फीलिंग जो है चाइनीज समोसे की वो बिल्कुल तैयार हो गई है। फीलिंग को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद हम अपने समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैदे की स्लरी बना के रखी हुई है। और फिर लिया है समोसे की शीट्स, जिसे हम समोसा पट्टे भी बोलते हैं, जो कि बाज़ार में बहुत आसानी से आपको अवेलेबल होती हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको बना लेनी है और इसके अंदर हमें स्टफिंग डाल देनी है। स्लरी लगाकर अच्छे से हमें कवर कर लेना है चारों तरफ से, और इसी तरह के हमें सारे तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करना है। देखिए मैंने ऑयल को गर्म किया हुआ था, उसमें डाल दिए और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है और इसे निकाल लेना है। ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन बैंग बैंग। एक बाउल में हमें लेना है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसके छोटे छोटे क्यूब्स करा लिए थे। फिर डाला है 1/2 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और कूटी हुई लाल मिर्चें। फिर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 टीस्पून। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है। ये मैंने लिया है 1/2 कप मैदा, जिसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये लिया है 1 कप कॉर्नफ्लेक्स और 2 फेटे हुए अंडे। हमें चिकन को पहले अंडे में डिप करना है, फिर मैदा लगाना है, फिर अंडे में डिप करना है, उसके बाद हमें कॉर्नफ्लेक्स लगाना है। इसी तरह के सारे करके हमें डीप फ्राई करना है। ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हमें एक एक करके अपने चिकन डाल देने हैं, ये हल्का गोल्डन ब्राउन करना है और इसे निकाल लेना है। क्रिस्पी चिकन बैंग बैंग ये इतना आजकल वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टाइल में बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए इसके लिए अभी हमें एक सॉस बनानी है, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज। फिर डाला है 2 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून शहद। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और अपने फ्राइड किए हुए चिकन डालने हैं। इस चिकन को खाने के बाद आप KFC जाना भूल ही जाएंगे, ये इतना क्रिस्पी
और जूसी होता है और इसकी सॉस के साथ तो लाजवाब ही लगता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।